हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। खूबसूरत स्किन के लिए आप महंगे प्रोडक्ट यूज करती हैं, लेकिन इससे पहले आप कोई ना कोई घरेलू नुस्खा जरूर आजमाती होंगी। ऐसा ही एक घरेलू नुस्खा है नींबू और शहद का, जो आप में से कई लेडीज लगाती होंगी या फिर यूज करती होंगी, पर कई बार इसका सही रिजल्ट नहीं मिलता या इससे आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए आज हम आपको नींबू और शहद से बने फेस पैक से जुड़ी बातों के बारे में बताते हैं, और ये भी कि इसे किस तरह से, कब और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसका सिर्फ बेनिफिट मिले, ना कि इससे कोई नुकसान हो। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि नींबू और शहद के फेस पैक को बनाते कैसे हैं, वो भी सही तरीके से। तो इसके लिए हम सबसे पहले शहद लेंगे 1 चम्मच, और अब हम 1/2 चम्मच नींबू का रस लेंगे। ध्यान रखें कि आप जितनी मात्रा शहद की ले रहे हैं उससे आधी मात्रा नींबू की लें। ये नींबू और शहद का फेस पैक बनाने का सही तरीका है। अब इन्हें हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये फेस पैक बनके तैयार हो गया है। आइए अब इसे अप्लाई करके दिखाते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि इस फेस पैक को लगाने के बाद क्या करें और क्या नहीं। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे या फिर धो लेंगे। अब हम फेस पैक को अप्लाई करेंगे। इस फेस पैक का एक पतला सा लेयर अपने फेस पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब अपने फेस को धो लेते हैं। मैंने अपने फेस को धो लिया। नींबू और हनी का ये फेस पैक स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि नींबू में स्किन वाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, साथ ही हनी में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये दोनों मिलकर स्किन को क्लियर और सॉफ्ट बनाते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि ये फेस पैक को अप्लाई करने के बाद क्या करें और क्या नहीं। जब भी इस फेस पैक को अप्लाई करें तो धूप में ना निकले, और अगर निकलना ही है तो 5 या 6 घंटे बाद निकले। कोशिश करें कि इस फेस पैक को रात में लगाएं। वहीं दूसरी इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस फेस पैक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको खुजली या रैशेज की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस फेस पैक को लगाने के बाद अपने स्किन पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल लगा लें। लेकिन ध्यान रखें कि इस फेस पैक को लगाने के 1/2 घंटा बाद लगाएं। उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएगी। ऐसे ही टिप्स के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई, और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।